नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज हम जो बात बताने जा रहे हैं उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात भयावह हैं। कोरोना का वायरस मिनट से मिनट मौत बांट रहा है और देश में इस वक्त कोरोना के 3 ऐसे स्ट्रेन घूम रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। इसमें ब्राजील से आया वो वायरस भी है जिसे वैज्ञानिक बच्चों का जानी दुश्मन बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए महामारी के इस दौर में हम कहां खड़े। महामारी का मायावी जाल, ब्राजील से आया बच्चों का जानी दुश्मन। कलेजे के टुकड़े को बचाना है तो बड़ों को मास्क लगाना है। महामारी के महारक्षक, सत्तर करोड़ आबादी पर पहरा। पैंतीस घंटे की कैद का रियलिटी चेक। वायरस का वार, नए केस 2.5 लाख पार। कातिल कोरोना की कयामत। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप अपने कलेजे के टुकड़े को बचाना चाहते हैं तो आज ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के वायरस की बुरी नजर इस वक्त अगर किसी पर सबसे ज्यादा है तो वो बच्चों पर है। ब्राजील से आया वायरस मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा है और अब तक 80,000 बच्चों को अपना निशाना बना चुका है। कातिल कोरोना का ट्रिपल अटैक, ब्राजील के खतरनाक वायरस से सावधान, आपके बच्चों पर है वायरस की बुरी नजर। 8 महीने से 5 साल के बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा। दुनिया घूम कर आया कोरोना वायरस बच्चों के लिए बड़ा खतरा लेकर आया है, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आज ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के वायरस की बुरी नजर इस वक्त अगर किसी पर सबसे ज्यादा है तो वो बच्चों पर है। कोरोना का वायरस मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। बच्चों पर 3 वायरस का खतरा, तीनों वेरिएंट से खतरनाक, ब्राजील के वायरस से ज्यादा सावधान। वैज्ञानिकों की स्टडी में पता चला है कि भारत में 3 देशों के वायरस घूम रहे हैं। ये तीनों के तीनों बेहद ज्यादा खतरनाक है। इनमें पहला है ब्रिटेन का वायरस जिसका कोड नेम है B.1.1.7, दूसरा साउथ अफ्रीका का जिसका कोड नेम है P.1.351 और तीसरा ब्राजील का वायरस है जिसका कोड नेम P.1 है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ब्राजील का वायरस जो बच्चों को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और पहली लहर से कई गुना भयावह है कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, लेकिन ब्राजील का जो कोरोना का स्ट्रेन आया है उसे P1 कहते हैं और ये स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एक स्टडी के मुताबिक 15 देशों में कोरोना का ब्राजील स्ट्रेन, जिसे P1 के नाम से जाना जाता है, वो फैल चुका है। ऐसे में जो लगातार स्टडी निकल कर सामने आ रही हैं, लगातार जो डॉक्टर्स के रिसर्च निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ब्राज़ील का जो कोरोना स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उससे ही सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी लगातार इसी वजह से आलोचना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को वैल्यू दी और जब वहाँ स्थिति बिगड़ी तो उसके बाद अब वहाँ की जनता भी उनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में 2 गुना खतरा, ब्राजील के वायरस से 80,000 बच्चे बीमार। डॉक्टर एक्सपर्ट्स की माने
तो कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का प्रभाव ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसे पहली लहर में बुजुर्गों पर हो रहा था। कई मामले ऐसे भी आए जब बच्चों की जिंदगी को बचाया नहीं जा सका है, इसलिए वक्त बच्चों को ज्यादा सावधान रहने का है। कलेजे के टुकड़े को बचाना है तो बड़ों को मास्क लगाना होगा। ब्राजील का स्ट्रेन 15 देशों में मचा रहा कहर। बच्चों को हो रहे कोरोना के पीछे लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। बच्चों का घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना और मास्क न पहनने की वजहों से ब्राजील से आया कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों को आसानी से अपनी चपेट में ले रहा है। हाल ही में गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को सूरत में 13 साल के एक और बच्चे की मौत हुई। पानीपत में तो मां के गर्भ में ही बच्चे को कोरोना हो गया। ये सभी आंकड़े बच्चों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और दिल्ली के करीब 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जो इस वक्त कोरोना की भारत में दूसरी लहर आई है उसमें खास तौर से हम ये बात देख रहे हैं कि बच्चों को संक्रमण इस बार कहीं ज्यादा हो रहा है बजाय जो फर्स्ट वेव में हमने देखा था। ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार बच्चों में कुछ नए लक्षण भी उभर करके सामने आए हैं, क्योंकि खास तौर से इस बार हम बच्चों में पेट से जुड़ी हुई तकलीफें देख रहे हैं। तो एक तरफ कहीं बच्चों में बुखार ज्यादा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या खांसी है या नाक बह रही है, तो वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कि उल्टी हो रही है या दस्त हो रही है या उनको पेट में दर्द हो रहा है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर बच्चों की आंखें लाल हो रही हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो रही है या उनके हाथ पैरों में सूजन हो रही है, नीले पड़ रहे हैं, तो ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। वहीं अगर कुछ बच्चे बोले कि अब हमें खाने में स्वाद नहीं आ रहा है या सूंघने की शक्ति में दिक्कत हो रही है, तो ये भी कोरोना के लक्षण बच्चों में भी हो सकते हैं। बच्चों के पेट में दर्द है तो तुरंत जांच कराएं। थोड़ी सी लापरवाही बच्चों पर पड़ सकती है भारी। अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत सावधान हो जाएं, क्योंकि बच्चों में दिखने वाले कोरोना के लक्षण इस तरह है। सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, थकान, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा में सूजन, लाल आंखें, त्वचा के रंग में बदलाव, मुंह में छाली, भूख कम लगना, स्वाद का पता नहीं लगना। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर बच्चे जो हैं वो सुस्त दिखाई दे रहे हैं या वो अपने एक्टिविटीज में जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या सोते जा रहे हैं, आपको उनको बार बार उठाना पड़ रहा है कुछ खिलाने के लिए या दूध वगैरह देने के लिए, या बच्चे जो हैं आपको थोड़े बेहोश से दिख रहे हैं, गफलत में दिख रहे हैं या उनकी पसलियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, या कोई बच्चा आपको दिख रहा है कि लगातार रोता जा रहा है और बता नहीं पा रहा है अपनी समस्या को लेकिन वो लगातार क्रैंकी है, परेशान दिख रहा है, तो ये सभी संकेत होते हैं जो इस तरफ आगाह करने के लिए आपको कि बच्चे में शायद कोरोना का संक्रमण तो नहीं है या उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको सचेत होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को ये शिकायतें हैं तो तुरंत डॉक्टर से बच्चे का इलाज कराएं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही कलेजे के टुकड़े के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आगरा से नितिन उपाध्याय और कानपुर से रतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महामारी के इस दौर में हम कहां खड़े हैं, ये सवाल आज सिस्टम को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि महामारी के जो तीन महारक्षक हैं उनकी किल्लत कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि कोरोना को हराना है तो हमें उन तीन अस्त्रों को मजबूत करना होगा जिनके बिना इस युद्ध को जीतने की बात करना भी बेमानी है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 2,07,000 के पार पहुंच चुके हैं, 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर सिस्टम अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी। ये कोरोना को हराने की तीन महाअस्त्र हैं। ये महामारी से बचाने वाले तीन महारक्षक हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। लेकिन हम इन तीनों मोर्चों पर मात खा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े, शमशान पर पसरा मातम और सड़कों का सन्नाटा बता रहा है कि हम तबाही के किस रास्ते पर आ गए हैं। ऑक्सीजन लाओ, इलाज पाओ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही मिलेगी ऑक्सीजन।
जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का कितना टूटा है कि सांसों की सौदेबाजी होने लगी है। अस्पताल ऑक्सीजन लाओ इलाज पाओ की स्कीम चलाने लगे हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ 10 बजे से 5 बजे तक ही मिलेगी। अब जरा सोचिए, किसी को सुबह 10 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? क्या बीमारी समय देखकर आती है? वैसे ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, कानपुर का हाल भी इससे ज्यादा जुदा नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन, लोग भटक रहे हैं, वाकई भटक रहे हैं, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहा है और ऑक्सीजन की भी अब किल्लत देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्सला अस्पताल के पास में, एक केमिस्ट शॉप के संचालक हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हो क्या रहा है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अंकुश अग्रवाल है। अंकुश, ये बताइए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या आप जो लोग आ रहे हैं आपके पास, क्या अभी आ रहे हैं लोग रेमडेसिविर लेने? ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दवाइयों की अनुपलब्धता कारण हो रहा है इसमें, कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन हर पेशेंट को जरूरत का कारण एक बना हुआ है जो है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो लोकल डॉक्टर्स हैं जो हमारे, वो सब रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की दुकानों में ये इंजेक्शन सुगमता से उपलब्धता नहीं है। ये सीधे कोविड हॉस्पिटल से ही मरीज को उपलब्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ अच्छी बात है कोविड हॉस्पिटल में इस चीज़ की उपलब्धता बनी है, लेकिन अगर जब लोकल डॉक्टर जब इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, मरीज हमारी दुकान में चढ़ता कहता है भैया 6 इंजेक्शन ये दे दिए, लेकिन हम लोग के पास उपलब्धता ना होने कारण मरीज मायूसी के तौर पे हमारी दुकान से लौट रहा है। शहरों के नाम बदल सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हालात हर जगह भयावह हैं। गाजियाबाद में जहां पहले 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड थी, वो कोरोना काल में बढ़कर 500 से 600 पर पहुंच गई है। जो पहले किसी हॉस्पिटल 5 सिलेंडर लगाता था, वो इस टाइम 250 300 सिलेंडर रोज लगा रहा है। अच्छा, कितने सिलेंडर हैं जो आजकल आप दिन में एक साथ सप्लाई कर देते हैं? आज के दिन जो है, मैं पहले 100 सिलेंडर की सप्लाई थी मेरी पर डे की, इस टाइम 500 से 600 सिलेंडर पर डे मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, जो कि 24 घंटे मेरे को लग रहे हैं। इस टाइम हमारा पूरा स्टाफ और जहाँ से हम भरवाते हैं वो पूरा कोऑपरेट करके इस चीज़ को कर पा रहे हैं। मुश्किल घड़ी में IIP के वैज्ञानिक बने संकट मोचन, तैयार कर डाली हवा से सस्ती ऑक्सीजन वाली तकनीक। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम मोदी ने पहले से मंजूरी दिए जा चुके ऑक्सीजन प्लांट को तेजी के साथ शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन इस मुश्किल वक्त में अच्छी खबर यह है कि देहरादून के IIP के वैज्ञानिकों ने हवा से सस्ती ऑक्सीजन तैयार करने की तकनीक इजाद कर दी है। इसमें कम खर्च पर छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन हो सकेगा। कोरोना के संक्रमण से संकट में घिरे देश के लिए IIP की यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। वहीं कोरोना के महायुद्ध में दूसरी सबसे ज्यादा जरूरत जिस अस्त्र की है तो वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो महामारी के वक्त में सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। लेकिन कुछ लोग आपदा में अवसर देख इसकी कालाबाजारी करने लगे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर नकेल कसने का तरीका खोज लिया है, जिससे न सिर्फ रेमडेसिविर दवाई की कमी खत्म होगी बल्कि इसकी कीमत भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। देश में इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। इससे 10 लाख इंजेक्शन हर महीने और बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा 30 लाख यूनिट और बनाए जाने की तैयारी आखिरी दौर में है, जिससे उन राज्यों की पूर्ति हो सकेगी जहां इस वक्त इस दवाई की सबसे ज्यादा किल्लत है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त रेमडेसिविर को लेकर क्या हाल है, जरा ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज रविवार को साप्ताहिक बंदी रखी है और इस दिन साफ सफाई का महाअभियान चलाया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर सब कुछ बंद है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, सभी मार्केट, सभी बाज़ार, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। लेकिन मेडिकल स्टोर्स जो आवश्यक सेवाओं में आता है वो सब खुले हुए हैं, लोग आ रहे हैं, अपनी दवाइयाँ लेकर के जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर में संचालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये देखिए सैनिटाइज़र रखा हुआ है। क्या नाम है सर? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, बताइए कि जो आज या लोग आ रहे हैं तो किस चीज़ की ज़्यादा मांग कर रहे हैं आपसे? देखिए, बेसिकली क्या है कि पेशेंट इतना इस समय जो है घबराया हुआ है, नॉर्मल फीवर को भी वो कोरोना लेके चल रहा है, ठीक है। किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं या किसी को टाइफाइड है, आदमी उस तरफ नहीं जा रहा, उसको केवल एक माइंड में एक साइकोलॉजिकली आ गया है कि मुझे कहीं कोरोना ना हो।
एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये घूम रही हैं और आदि इन्हीं सब मेडिसिन की जो है ज्यादा डिमांड कर रहा है। आरटीपीसीआर की लेट लतीफी बिगाड़ रही है खेल। जांच रिपोर्ट समय पर नहीं आएगी तो इलाज कैसे होगा? कोरोना की लड़ाई में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है वो है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, क्योंकि जब तक मर्ज की पहचान नहीं होगी दवा कैसे शुरू होगी। लेकिन आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में जिस तरह से लेट लतीफी हो रही है और जो रिपोर्ट 24 से 36 घंटे में आनी चाहिए थी उसे आने में 5 से 6 दिन लग रहे हैं, वो कोरोना को फैलाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसे में पॉजिटिव व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है और जगह जगह कोरोना बांटता रहता है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1977 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच एक बड़ी बात निकल करके सामने ये आ रही है कि जो जांचें हो रही हैं उनमें इतना बड़ा इंटरवल यानी समय इतना ज़्यादा लगा दिया जा रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं और परेशान होने के साथ साथ उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेट आ रही है। कुछ लोग कोरोना का सेल ऑफर भी चला रहे हैं जिसके तहत कोरोना की नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने का खेल खेला जा रहा है। इस खौफनाक खेल का भंडाफोड़ एबीपी गंगा ने किया था। अब जरा सोचिए, कोरोना की जिस रिपोर्ट को सबसे बड़ा आधार माना जाता है अगर उसके साथ ही खिलवाड़ होने लगे तो क्या होगा? क्योंकि सच तो यही है कि आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2.5 लाख को क्रॉस कर चुकी है, तो इसका सबसे बड़ा कारण इन तीन अस्त्रों के साथ खिलवाड़ है जो वक्त के साथ बढ़ता गया और कोरोना अपने पैर फैलाता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में से एक पीजीआई का नया शोध और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नए शोध में ये पाया गया है कि कोरोना केवल मरीजों के जरिए ही नहीं बल्कि फूलों के परागकणों के जरिए भी बहुत दूर तक फैल सकता है। ये शोध लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के बाद और भी पुख्ता हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना हवा के जरिए भी फैल रहा है। बाग बगीचे भी हो सकते हैं कोरोना के अड्डे, फूलों की दीवानगी भी कर सकती है संक्रमित। खुशबू के साथ हवा में घूम रहा कोरोना वायरस, पल पल कोरोना हो रहा जिंदगी के लिए घातक। कोरोना की डबल म्यूटेन स्ट्रेन को लेकर दिन पर दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन इन जानकारियों में जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले और डरावने हैं। चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के हालिए शोध में जो हकीकत सामने आई है उसके बाद तो कोरोना को लेकर डर और भी बढ़ना तय है। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ पीजीआई का बड़ा खुलासा, हवा के कणों के साथ दूर तक जा सकता है कोरोना वायरस, पराग कणों के जरिए भी दूर तक कर रहा है सफर। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर रोज नए नए वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं। प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक पीजीआई चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना के तेजी से फैलने की वजह वायरस का पराग कणों के साथ मिलना और फिर हवा के जरिए दूर तक पहुंचना भी हो सकता है। दरअसल देश के वैज्ञानिक कोरोना के डबल म्यूटेन स्ट्रेन के तेजी से फैलाव पर शोध कर रहे हैं। इसी पर शोध में जुटी पीजीआई चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने बीते नवंबर में अपने शोध में पाया था कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पराग कणों के साथ भी मौजूद है। कोरोना को लेकर इस शोध की एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय साइंस मैगजीन साइंस जर्नल सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी है। शोध की ये रिपोर्ट इसलिए भी काफी मायने रख रही है कि कोरोना ऐसे वक्त में देश में तेजी से पांव पसार रहा है जब पराग कण की प्रक्रिया भी अपने चरम पर है। रिपोर्ट का दावा पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर और शोध के प्रमुख रविंद्र खाईवाल ने किया है। पराग कणों के साथ कोरोना वायरस के मिल जाने और मौसमी स्थितियों के चलते उसके प्रसार को लेकर अध्ययन किया गया। पाया गया कि कोरोना मिश्रित जैव पराग कण लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं। ये दूरी एक शहर से दूसरे शहर तक भी हो सकती है, लेकिन काफी कुछ मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें तापमान, बारिश, आर्द्रता और हवा की गति प्रमुख है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस हवा के साथ तेजी से और दूर तक फैल सकता है। लेकिन लैंसेट और चंडीगढ़ पीजीआई के शोध के बीच एक अंतर, लैंसेट की शोध रिपोर्ट हवा से सीमित प्रसार की ओर इशारा करती है, जबकि चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्ययन पराग कणों के जरिए
कोरोना की लंबी दूरी तक पहुंचने की संभावना जता रहा है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि नेपाल समय करीब 40 किस्म के वायरस पराग कणों के साथ मिलकर लंबी दूरी तक हवा में जा सकते हैं। पराग कण उच्च जैविक कोशिकाओं द्वारा निर्मित यौन प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण नर जैविक संरचनाएं। इनका आकार 2 से लेकर 300 माइक्रोन तक होता है। आमतौर पर ये स्वयं स्थिर रहते हैं और हवा, कीड़े, पक्षी और पानी जैसे एजेंट द्वारा फैलाए जाते हैं। शोध में ये भी कहा गया है कि कोविड प्रबंधन के लिए पराग कणों की भूमिका पर और गहन अध्ययन किए जाने की जरूरत है। प्रोफेसर हाईवाल का दावा है कि पराग और कोविड-19 पर आधारित ये दुनिया का पहला अध्ययन है। इस शोध का मकसद संक्रामक बीमारियों को काबू करने के लिए अलग अलग तरीके के अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। प्रोफेसर खाईवाल का ये भी दावा है कि मौजूदा वक्त में कोरोना के तेजी से पांव पसारने के पीछे केवल लोगों का व्यवहार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई पर्यावरणिक कारण भी जिम्मेदार हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। क्योंकि हवा में कोरोना के फैलने की आशंका को लेकर दुनिया के सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल्स में से एक लैंसेट की रिपोर्ट भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।